बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा स्टारर मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। ट्रेलर लॉन्च से एक दिन पहले ही रिचा ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके बाद इस पोस्टर और ट्रेलर के कई सीन को लेकर फिल्म विवादों में घिर गई। कैसा है मैडम चीफ मिनिस्टर का पोस्टर और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिल्म विवादों में है, देखिए रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा स्टारर मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। ट्रेलर लॉन्च से एक दिन पहले रिचा ने अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर और ट्रेलर के कई सीनों को लेकर फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म का यह विवाद जातिगत आधार पर है। इसकी टैगलाइन में अनटचेबल और अनस्पॉटेबल लिखा है। फिल्म के पोस्टर और कई सीन में जातिवाद फैलाने और दलितों की गलत छवि दिखाने का आरोप है। कई लोगों का कहना है कि फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की जीवन पर आधारित है। मायावती पढ़ी लिखी है, उन्होंने विज्ञान और कानून की पढ़ाई की है, लेकिन फिल्म में रिचा के हाथ में झाड़ दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और एक जाति को टारगेट किया गया है। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो दलित है, लेकिन अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति की बदौलत वो एक मुख्यमंत्री बनती है। उसके लिए ये रास्ता आसान नहीं है। मंदिर में सिर्फ ऊंची जाति के लोगों की एंट्री को लेकर इसमें सवाल उठाया गया है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि फिल्म में रिचा चड्ढा के अलावा सौरभ शुक्ला, मानव कौल, अक्षय ओबेरॉय और सुरभि चंदा मुख्य भूमिका में है और यह फिल्म 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एंटरटेनमेंट लाइफ की रिपोर्ट।